यूपी में निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टिकट न मिलने से नेताओं में बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। जी हां, अंबेडकर नगर जिले की घटना है जहां 3 नगर पालिका परिषद और 4 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव द्वितीय चरण में 11 मई को होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दे कि इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। तभी से पार्टी में बगावत के स्वर फूट रहे हैं। जिला मुख्यालय की नगर पालिका अकबरपुर से टिकट की घोषणा होते ही पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इनमें से एक ने तो पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है, दूसरे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कर दिया है। दोनों नेताओं के टिकट कटने के पीछे अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री राम अचल राजभर का हाथ बताते हुए उन पर सीधा आरोप लगाया गया है। दोनों नेताओं का आरोप है कि टिकट ऐसे उम्मीदवारों को दे दिया गया जिसका समाजवादी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा किचौछा और राजे सुल्तानपुर में भी टिकट कटने से कई नेताओं ने नाराजगी जताई है। तो अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बगावत देखने को मिल रही है। आपको बता दें अंबेडकर नगर में 3 नगर पालिका परिषद और 4 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए द्वितीय चरण में 11 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा कर चुकी है। टिकट की घोषणा के साथ ही पार्टी में ये बगावती स्वर जो है वो फूटते हुए नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय की नगर पालिका अकबरपुर से टिकट मांग रहे 2 नेताओं के टिकट कटने के बाद अब खुलकर बगावत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि साल 1992-93 से पार्टी से जुड़ी विद्यावती राजभर, जो कि पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है, उनके साथ ही सपा सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था, इस बार वो नगर पालिका अकबरपुर से अध्यक्ष पद के लिए टिकट की मांग कर रही थी। लेकिन पार्टी ने बसपा से सपा में आई शारदा राजभर को टिकट दे दिया, जिसे विधायक राम अचल राजभर का करीबी माना जाता है, और उन्हीं के साथ बसपा से वो सपा में आई थी। तो ऐसे में विद्यावती राजभर ने विधायक राम अचल राजभर पर टिकट कटवाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सपा पूर्व जिला मंत्री हाजी मोहम्मद अकमल उर्फ जुगनू ने भी विधायक राम अचल राजभर पर टिकट कटवाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राम अचल राजभर ने उनका टिकट कटवाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा लगा दी, जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 4 साल से उनका टिकट फाइनल कर रखा था। उन्होंने टिकट भले ही ना दिया हो, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सपा में बगावत के सुर उठाने के सवाल पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है और टिकट देने की जिम्मेदारी नेतृत्व की होती है। अब किन परिस्थितियों में लिया गया है ये फैसला, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जैसा ऊपर से आदेश होगा, बगावत की कोई जानकारी नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। राम अचल राजभर के ऊपर लगे आरोपों के बारे में भी उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कोई ऑथेंटिक ना हो उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन बगावती सुर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उठते दिख रहे हैं और बसपा से आए राम अचल राजभर के कारण ये बगावत सामने आई है अंबेडकर नगर में। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।